तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं K20 Pro के बारे में, मतलब Redmi K20 Pro के बारे में दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो ऐसे में ये फ़ोन बहुत अच्छे फ़ोन होने वाला है, बहुत ही बेहतर फ़ोन होने वाला है। लेकिन दोस्तों हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ़ोन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, लेकिन दोस्तों फ़ोन जो है बहुत अच्छे फ़ोन होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन जो भी लोग खरीदे हैं, मतलब जो सेल वगैरह इस फ़ोन का हुआ है, तो इस सेल में जो है फ़ोन जो भी लोग खरीदे हैं, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मतलब दोस्तों जो भी सारे प्रॉब्लम के बारे में जो लोग बातें करेंगे, हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम बारे उन लोग बताए हैं जो लोग इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर इस फ़ोन को खरीद चुके हैं, या आपका फ्रेंड या आपका फैमिली वाले कोई भी अगर इस फ़ोन को खरीद के यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों उनसे आप पूछिएगा। जो सारे प्रॉब्लम के बारे में हम बातें करेंगे, वो सारे प्रॉब्लम जरूर उन लोग फेस कर रहे होंगे। मतलब दोस्तों जो भी यूज़र है K20 Pro का, जो भी सारे बंदे K20 Pro को खरीदे हैं, उन लोगों को कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सा प्रॉब्लम का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, दोस्तों उसी के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो आपको अगर K20 Pro को खरीदना है, मतलब आप अगर K20 Pro को खरीदने का मन बना रहे, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं कि K20 Pro का जो यूजर है, जो लोग इस फोन को खरीद चुके हैं, उन लोगों को कौन कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उसी के बारे में दोस्तों लोग बातें करेंगे। तो आप अगर K20 Pro को खरीदने का मन बना रहे, दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। ऐसे में कहा कि आप बड़े आराम से जान पाएंगे कि दोस्तों K20 Pro का जो यूजर है, उन लोगों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं कि K20 Pro का यूजर को कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में। तो K20 Pro का जो यूजर है, उन लोगों को सबसे पहले जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इस फोन में, वो हो गया एड्स को लेकर के। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि Mi UI में कितना सारा एड्स देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी एड्स का सामना करना पड़ा है उन लोगों को, तो उन लोग परेशान हो जा रहे हैं एड्स की वजह से। मतलब दोस्तों जो एड होता है ना, फुल स्क्रीन एड, उसका आप डिसेबल कर सकते हैं। मतलब जब आप फोन को सेटअप कर रहे, फोन को मतलब आप मतलब फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह को सेव कर रहे हैं, मतलब जब फोन को ऑन कर रहे हैं शुरू शुरू में, तो उस समय जो आप फुल स्क्रीन एड्स को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सारे एड्स को जो आप डिसेबल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एड जो आपको उसमें देखने को मिल ही जाएगा। मतलब दोस्तों जो एड्स है ना, ये काफी परेशान कर रहा है जो यूजर है उन लोगों को। क्योंकि मान के चलिए कि आपके पास K20 Pro है और आप जो है फोन की यूज कर रहे हैं, अचानक आपका सामने ऐड आ गया, तो दोस्तों ये गलत बात है, आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है मतलब ऑफलाइन में भी, मतलब आप अगर आपका फोन का डाटा ऑफ है, फिर भी जो आपका फोन में एड्स हो रहा है, तो भाई ये गलत बात है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है जिसको जो है K20 Pro का यूज़र उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। हाँ, जो फुल स्क्रीन एड्स है उसको डिसेबल कर सकते, लेकिन दोस्तों जो छोटे छोटे एड्स है ना, वो आ ही जा रहा है, उसको डिसेबल नहीं कर सकते। तो इसका दिक्कत जो दोस्तों K20 Pro का यूज़र उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों उसके बाद जो K20 Pro है ना, उसमें आपको बहुत सारे ऐप्स, मतलब फालतू के ऐप्स पहले से जो आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा, जो कि ऐप्स आप जिंदगी में काम में नहीं लेते होंगे। ऐसे ऐप्स जो आपको फोन के अंदर इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा, तो उसका जो नोटिफिकेशन बार बार आते रहता है, बहुत ही ज़्यादा बार, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आते रहता है, जिसकी वजह से जो K20 Pro का यूज़र है वो दोस्तों परेशान हो रहे हैं। मतलब मान के चलिए आपका मोबाइल में इतना सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करा हुआ है शुरू से, मतलब प्री इंस्टॉल आ रहा है, मतलब फोन के अंदर शुरू से दूसरे एप्लीकेशन दोस्तों इंस्टॉल है, तो जो सारे एप्लीकेशन आप मतलब जिंदगी में काम में नहीं लेते होंगे, जैसे एप्लीकेशन दोस्तों फोन के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, और उसमें जो बार बार नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आप परेशान हो जाएंगे। वैसे ही जो K20 Pro का जो यूजर लोग हैं, उन लोग दोस्तों परेशान है इस ऐप्स को लेकर के। तो ऐसे में इस सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, इस सारे ऐप्स को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ ये निकल आता है कि भाई रेडमी वाले से क्यों कर दें, मतलब जब आप जान रहे हो कि इस सारे ऐप्स को कोई यूजर यूज नहीं करेंगे, इसको सीधा डिलीट करने वाले हैं, तो भाई इस सारे ऐप्स को डालने का क्या जरूरत है। तो जो भी दोस्तों जो शुरू से एप्लीकेशन वगैरह फोन में इंस्टॉल है, तो उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है, वो उसका वजह से जो जो यूजर है उसको दोस्तों परेशानी हो रहा है। तो आप भी अगर इस फोन को खरीदेंगे, तो खरीद के जो सारे फालतू एप्लीकेशन वगैरह है, उसको जो आप अनइंस्टॉल जरूर कर दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों जो एप्लीकेशन वगैरह, जो फालतू के एप्लीकेशन रखा हुआ है फोन के अंदर, तो वो सारे एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है, वो आपको बहुत ही तंग करने वाला है। दोस्तों उसके बाद कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसा है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब कुछ एप्लीकेशन तो आप अनइंस्टॉल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसा है जो कि शुरू से अनइंस्टॉल देखने को मिल जाएगा आपको फोन में, लेकिन उस एप्लीकेशन को जो है आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका क्लीन मास्टर ऐप्स है, तो उस ऐप्स को जो है आप दोस्तों डिलीट नहीं कर सकते, वो शुरू से इंस्टॉल है, उसका आपको डिलीट करने का ऑप्शन दिया हुआ नहीं इस फोन में, वो जो शुरू से है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों बात निकाल के आता है कि जो क्लीन मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, इसका हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, इसका ऊपर डाटा चोरी करने का क्लेम लगा था, और प्ले स्टोर से भी ये एप्लीकेशन एक बार गायब हो गया था, मतलब गूगल उसको किकआउट करा था अपना प्ले स्टोर से, क्योंकि दोस्तों उसका हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, जो है मतलब पब्लिक का जो यूजर है उसका डाटा वगैरह चुरा रहा था। तो ऐसे में मान के चले कि आप अगर अपना फोन से ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते होंगे, या दोस्तों आपका कुछ पर्सनल जानकारी
पर्सनल डाटा वगैरह अगर फ़ोन के अंदर रहा तो दोस्तों, ऐसे में जो इस टाइप का ऐप्स अगर आपका फ़ोन में रहा तो जो आपका जो डाटा वगैरह है उधर वो सब डाटा दोस्तों अनसिक्योर हो जाता है। मतलब आप जो है अंदर से अनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि इस टाइप के एप्लीकेशन जिसको प्ले स्टोर से भी बाहर निकाल दिया गया था, जिसके ऊपर डाटा चोरी का क्लेम लगा था। तो दोस्तों ये सारे एप्लीकेशन अगर आप अगर आपका फ़ोन में रहा तो ऐसे में आप अगर फ़ोन से ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते होंगे दोस्तों, आपका जो जो बैंक अकाउंट है दोस्तों सिक्योर नहीं है, या दोस्तों आपका कोई पर्सनल डाटा या पर्सनल फोटो या ऐसे कुछ रहा जिसको बाहर शेयर नहीं करना चाहते हैं, इस टाइप की चीज़ें अगर आपका मोबाइल में रहा तो दोस्तों आप जो आपका जो डाटा जो है दोस्तों सिक्योर नहीं है इस ऐप्स की वजह से। क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन उतना अच्छा नहीं है, जैसे आपको बता चुका है पहले भी जो प्ले स्टोर से भगा दिया था गूगल, इसी वजह से भगा था, क्योंकि दोस्तों इसका वो डाटा चोरी का क्लेम लगा था। तो ये गलत बात है कि इस टाइप के एप्लीकेशन को रेडमी ने जो है शुरू से इंस्टॉल करके भेज रहा है और इसको अनइंस्टॉल करने का भी कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो भैया गलत बात है, इस टाइप का एप्लीकेशन को जो है मोबाइल में नहीं रखने देना चाहिए। तो कहने का दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि इसका भी सामना करना पड़ रहा है K20 Pro का यूज़र को। मतलब दोस्तों बहुत सारे यूज़र इसके बारे में कंप्लेन भी किए हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इसके वजह से हम लोग सिक्योर फील नहीं कर रहे। बहुत सारे दोस्तों यूज़र लोग जो है इसके बारे में कंप्लेन भी किए रेडमी को, लेकिन रेडमी सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेडमी जो कस्टमर का नहीं सुनता है, अपना मन का सुनता है। अगर वो कस्टमर का सुनता तो वो अपना UI में ऐड नहीं देता। उसके बाद भाई ये जो फालतू का एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन से आपको रिक्स है, उस सारे एप्लीकेशन जो है फ़ोन में प्री इंस्टॉल करके नहीं भेजता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भी एक प्रॉब्लम है जो कि यूज़र को फेस करना पड़ रहा है कि ये फ़ोन यूज़ करते समय लोग खुद का जो भी सारे डाटा है उसको सिक्योर महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फोन में आपका जो क्लीन मास्टर जैसा अनसिक्योर ऐप्स दिया हुआ है, जिसको प्ले स्टोर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसको जो है मतलब जिसके ऊपर जो डाटा चोरी का भी क्लेम लगा था। तो ये भी जो एक प्रॉब्लम है जिसको दोस्तों K20 Pro का यूज़र उसको फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों उसके बाद और एक प्रॉब्लम को जो यूज़र को फेस करना पड़ रहा है वो हो गया चार्जर को लेकर के। मतलब दोस्तों K20 Pro है वो 27 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात फोन के तो इस फोन के अंदर मतलब इस फोन के डब्बा के अंदर आपको जो है 18 वाट के फास्ट चार्जर प्रोवाइड करा जा रहा है। तो ये गलत बात है। जो K20 Pro का यूजर है उन लोग भी दोस्तों इसको लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जब फोन में 27 वाट चार्जर के सपोर्ट दिया हुआ है तो इस फोन के साथ 27 वाट चार्जर के चार्जर ही देना चाहिए, लेकिन दोस्तों नहीं दिया जाता है। जबकि इस फोन का जो टॉप वेरियंट है उसका दाम दोस्तों 31,000 रुपये रखा गया। तो 31,000 रुपये वाले फोन में आपको 18 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता तो कहीं ना कहीं गलत बात है। तो ये भी दोस्तों मतलब चार्जर को लेकर जो प्रॉब्लम है इसको भी दोस्तों यूजर को फेस करना पड़ रहा है कि फोन इन लोग खरीद रहे थे ज़्यादा पैसे, लेकिन ज़्यादा पैसे से फोन खरीदने के साथ साथ इस फोन का साथ जो चार्जर मतलब मिलना चाहिए वो चार्जर इन लोग को मिल नहीं रहा है, उससे स्लो चार्जर मिल रहा है। ऐसे 18 वाट का फास्ट चार्जर भी जो 18 वाट का चार्जर हो गया दोस्तों फास्ट चार्जर हो गया दोस्तों काफ़ी जल्दी आपका फोन को चार्ज कर दे, लेकिन दोस्तों फोन सपोर्ट कर रहा है आपका 27 वाट के फास्ट चार्जिंग को। तो यहाँ जो है 27 वाट का चार्जिंग जो है चार्जर जो है फोन के अंदर प्रोवाइड कराना चाहिए शाओमी को मतलब रेडमी को, लेकिन रेडमी ये चीज़ कर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी जो प्रॉब्लम है यूजर को फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों उसका जो सबसे बड़े प्रॉब्लम यूज़र को फेस करना पड़ा इस फोन में वो हो गया फेस अनलॉक को लेकर के। मतलब दोस्तों देखिए फेस अनलॉक का आमतौर पर हम लोग सबको यूज़ करते हैं, खास करके फोन का जो स्क्रीन उसको अनलॉक करने के लिए हम लोग जानते आमतौर पर फेस अनलॉक का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों इस फोन का जो फेस अनलॉक फीचर्स है ना काफ़ी स्लो है, बहुत ही स्लो है। कैसे स्लो है देखिए, इस फोन का फेस अनलॉक फीचर्स काम करते कैसे, इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है उसके वजह से। तो सेल्फी कैमरा पॉपअप है तो इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है ना बहुत स्लोली पॉपअप के बाहर आ रहा है। मतलब जैसे कि आपका रियलमी एक्स को ले लीजिए और भी जो भी सारे पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले फोन है उसका जो सेल्फी कैमरा दोस्तों तुरंत बाहर आ जा रहा है। मतलब जैसे आप मतलब फोन को अनलॉक करने के लिए सामने पर रखेंगे तुरंत जो है सेल्फी कैमरा बाहर आ जा रहा है, फोन को अनलॉक करके फिर अंदर चल जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा लेट से बाहर है, थोड़ा लेट से नहीं काफ़ी लेट से बाहर आ रहा है, काफ़ी लेट से अंदर जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो कस्टमर है जो यूज़र है उन लोग दोस्तों परेशान हो जा रहा है। मतलब फेस अनलॉक का फीचर जो है दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि मोबाइल को सामने रखें आपका मोबाइल तुरंत अनलॉक हो गया, लेकिन मोबाइल को सामने रखने के बाद जो है धीरे से बाहर आ रहा है सेल्फी कैमरा, फिर धीरे से अंदर जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि दोस्तों फेस अनलॉक फीचर जो थोड़ा स्लोली काम कर रहा है, बहुत ही धीरे काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो कस्टमर लोग उन लोग परेशान हो रहा है। मतलब दोस्तों इस फोन का जो फेस अनलॉक फीचर्स वो काफ़ी स्लोली काम कर रहा है। तो ये भी दोस्तों एक प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ रहा है K20 Pro का यूज़र को। उसके बाद दोस्तों इस फोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऐसे तो रेडमी ने बोल रहा है कि सुपर फास्ट, लेकिन दोस्तों ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना भी थोड़ा सा स्लो काम करता है और पूरा एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है। मतलब मान के चलिए कि आपका हाथ गिल्ला है या आपका हाथ में लोशन वगैरह ऑयल वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो ऐसे में अगर आप अपना फोन को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से तो फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों ठीक से काम नहीं कर रहा है, कभी रहे तो पूरा स्लो काम कर रहा है और मतलब कभी कभी तो ऑयल रहता है तो वो अनलॉक करता ही नहीं है फोन को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि आपका K20 Pro का यूज़र उसको फेस करना पड़ रहा है। मतलब इस फोन को अनलॉक को लेकर के एक प्रॉब्लम है इस फोन में। मतलब एक तो इस फोन का जो पॉपअप सेल्फी कैमरा धीरे से बाहर आ रहा है, मतलब जो फेस अनलॉक फीचर जो स्लो काम कर रहा है, और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी दोस्तों कभी कभी एक्यूरेट काम नहीं कर पा रहा है, कभी कभी मतलब काम करता ही नहीं है, हाथ में ऑयल वगैरह लगा हुआ रहता है।
तो ये एक प्रॉब्लम है इस फोन के साथ कि भाई इस फोन का जी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम का फेस जो है K20 Pro का यूजर उन लोगों को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम के सामना जो है K20 Pro का यूजर को करना पड़ रहा है, जिसके बारे में बता चुका हूँ। दोस्तों फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा जो सारे प्रॉब्लम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम हम खुद से नहीं बता रहे, ये सारे प्रॉब्लम उन लोग बता रहे हैं जो लोग इस फोन को यूज कर रहे हैं, मतलब उन्हीं लोग बताए हैं ये सारे प्रॉब्लम को, दोस्तों उन्हीं लोग फेस कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जो सर चीज आपको समझने की कोशिश कर रहा था सर चीज आप समझ चुके, लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल है सर चीज़ को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर जरूर कोशिश करेंगे आपको सर जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छा लगे, जो वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले तक, जो जानकारी इसका उन लोग भी जान पा रहे। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जानकारी वाले वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकॉन है ना उसको भी दबा लीजिएगा, दबा के ऑल कर लीजिएगा, इसमें कहा दोस्तों हमारे जो नया नया वीडियो है, हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट आपको तुरंत मिलते रहेगा और आप जो हमारे एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो जो भी है दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।